हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल को दोस्तों आप पावर ऑफ और पावर ऑन करोगे। दोस्तों, अपने मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल को अगर आप पावर ऑफ करना चाहते हो तो पावर ऑफ कैसे कर सकते हो और पावर ऑन कैसे करोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, और दोस्तों काफ़ी सारे कीपैड फ़ोन में क्या होता है ना, बिना बटन के भी आप कर सकते हो, मतलब बिना प्रेस बटन के भी। दोस्तों, आपके फ़ोन की सेटिंग में एक ऑप्शन आ रहा होता है पावर ऑफ का, आप उस पर जाके ओके कर दोगे तो दोस्तों आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है। पर दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मैंने मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल के फ़ोन की सेटिंग को मैंने ऑन कर लिया, पर दोस्तों फ़ोन की सेटिंग में हमारे को यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है मोबाइल पावर ऑफ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में क्या करना पड़ेगा, दोस्तों जो आपका ये पावर बटन है आप डायरेक्ट इस पे ऐसे प्रेस करके रखोगे दोस्तों आपका मोटोरोला वाला मोबाइल यहाँ पे ऑफ हो जाता है। हेलो मोटो, दोस्तों अभी तो हमारा फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है, हमारा मोटोरोला वाला फ़ोन यहाँ पे ये पावर ऑफ हो चुका है, देख सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से जब आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा दोस्तों, आप इसको थोड़ी देर बाद अगर आप ऑन करना चाहते हो कुछ मिनट बाद तो ऑन कर लेना, और ऑन करने के लिए दोस्तों आपको पावर बटन को ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा पावर बटन तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, आपका फ़ोन ऑन होएगा तो यहाँ पे रिंगटोन आएगी हेलो मोटो करके, हेलो मोटो, यहाँ पर आपको वेलकम का नोटिफिकेशन भी मिलता है। दोस्तों, इस तरीके से अपने मोटोरोला मोबाइल को पावर ऑफ और पावर ऑन करोगे। या फिर दोस्तों, आप देख सकते हो अगर आप अपनी फ़ोन की बैटरी को हटाते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो तो भी आपका फ़ोन ऑफ हो जाता है। अगर आपसे गलती से दोस्तों आपका फ़ोन गिर गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसे बैटरी को हटा दूँगा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑफ हो गया, ठीक है। तो फिर दोस्तों, अगर आपसे गलती से फ़ोन गिर जाता है तो आपको अपनी बैटरी को लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे हम फ़ोन के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन तो यहाँ पर हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। हेलो मोटो, यहाँ पर वेलकम का नोटिफिकेशन मिलता है जब भी आप अपने फ़ोन को ऑन करोगे पावर ऑफ करने का। यहाँ पर फ़ोन सेटिंग वगैरह आप यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ और पावर ऑन कर सकते हो। और अगर आपसे गलती से फ़ोन गिर जाता है, बैटरी अगर आपके फ़ोन से निकल जाती है, बैटरी को लगा के पावर बटन को प्रेस कर देना और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हो मोटोरोला मोबाइल में तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट दोस्तों काफ़ी सारे कीपैड फ़ोन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो पावर ऑफ पे। जिसकी दोस्तों आप जाओगे सेटिंग में तो आपको दिख रहा होगा फ़ोन पावर ऑफ और फ़ोन लॉक के लिए भी, तो फ़ोन को लॉक भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप सेटिंग में आओगे दोस्तों, यहाँ पे आप टाइम एंड डेट, उसे दोस्तों डेट एंड टाइम सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग और शॉर्टकट सेटिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों, यहाँ पे पावर ऑफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।